आपका शुभ नाम क्या है? ममता कश्यप है मेरा शुभ नाम, मैं नंदगी में रहती हूँ। ममता जी बताइए, जो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह थी जो आपको? सर जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, आपको जैसे हमारी कुसुम जी ने बताया है कि उस बच्ची को जला के मार दिया गया है दहेज के लिए, मैं तो कहती हूँ उस बच्ची को क्या, इस संसार में और भी ऐसी बच्चियाँ हैं जिनकी बातें हमारे तक नहीं पहुँच पाती हैं, और हम लोग सबके लिए आगे बढ़कर आए अगर हमें पता चले तो, पर जिसका पता चला है हम उसके लिए आ रहे हैं और हम उस बच्ची के लिए इंसाफ चाहते हैं। आज ये बहुत दुख की बात है कि उस बच्ची को जलाया, उसने कितना उस चीज को दर्द को सहा है। मेरा बस चलेना, मैं तो केजरीवाल सरकार का तो बस पूछा ही मत ना, मेरे को बोलना तो नहीं आता। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन यही दिया है कि शाम तक के लिए बोला है FIR दर्ज कर देंगे और उन लोगों को अरेस्ट भी कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग फिर धरने पे बैठेंगे, फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, और अभी तो बहुत हल्के में किया है, अब आगे जा करके और जोरों से करेंगे। आपको लगता है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज हम लोग यहाँ पे इतनी संख्या में इकट्ठे नहीं होते। कोई भी सुरक्षा नहीं है यहाँ पर। बिजली पानी के तौर पे उन्होंने कहा हम बिजली फ्री कर देंगे, ये कर देंगे। जनता हमारी नासमझ है, जिन्होंने उनको चुन के इतने बड़े उस पे बिठा दिया, हालांकि उस पे बैठने लायक नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री बने, ऐसा कुछ उनमें खूबी नहीं है, पर बिठा दिया, चलो जी बैठ भी गए, पर बिजली पानी कुछ भी फ्री नहीं है। मेरा खुद का अपना बिल अभी मेरा 2700 रुपए का बिल आया है, पानी का बिल 3700-3800 रुपए का आया है। अब बताओ हमारे को क्या है ना, कोई किसी जिस चीज के लिए उन्होंने वादे करे थे ना, उनमें से एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ और ना उस पे वो खरे उतरे। बीजेपी हो गई, उसकी माँ को नहीं मिलने दिया गया, विधायक के दबाव में आकर ना तो पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई करी और ना ही उसको कोई सजा मिल पाई, उसकी FIR तक नहीं हो पाई। जब हम लोग कंटिन्यू उस बहन के संपर्क में थे और हम ये सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से हम उस आदमी को पुलिस तक पहुंचाए, लेकिन जब हमारी बात नहीं पूरी हो पाई, आज जब वो बहन दुनिया से चली गई, उस बहन की पीड़ा को लेकर हमारे सारे जिले की बहनें और मंडल की मेरी सारी बहनें यहाँ पर आई हैं और हम लोगों ने SHO पर दबाव बनाया है कि उसके खिलाफ आज ही FIR होनी चाहिए और उनको आज ही गिरफ्तार आपको करना पड़ेगा और उनको सजा देनी पड़ेगी। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है, SHO साहब ने बाहर आके हमको आश्वासन दिया है कि शाम तक वो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करेंगे और शाम तक उसको गिरफ्तार भी करेंगे। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं SHO साहब को भी और केजरीवाल सरकार को भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर शाम तक कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई जो SHO जी यहाँ आश्वासन देके गए, तो उससे 4 गुना उग्र रूप से प्रदर्शन हम लोग करेंगे। अभी हमने यहाँ थाने पे कराया, कल को हम केजरीवाल के घर पे। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो क्या इंसाफ मिल सकता था पीड़ित? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस ने की जो कार्रवाई थी पुलिस कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ का जो विधायक है, क्योंकि वो उसका वर्कर है, विधायक बहुत ज्यादा दबाव बना रहा है। पुलिस ने तो उसी दिन ही कंप्लेंट करी थी, लेकिन हम पुलिस पर भी ये दबाव बना रहे हैं कि उसको तुरंत FIR करके गिरफ्तार करो, क्योंकि बहन मर गई है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पुलिस के ऊपर दबाव बना रही है, क्योंकि वो उनका कार्यकर्ता है। उनके विधायक अपनी बीवी को कुत्तों से कटवाते हैं, उनके विधायक महिला उनके घर काम कर जाते हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते हैं। उनके नेता भी ऐसे हैं, उनके कार्यकर्ता भी ऐसे हैं। आज से 6 साल पहले उनकी एक बहुत अच्छी कार्यकर्ता संतोष कोहली सीमापुरी से थी, उनको भी इन्होंने ऐसे ही मार दिया और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी इन लोगों ने, उसके केस को दबा दिया, एक्सीडेंट का रूप दे दिया, उनको एक्सीडेंट का रूप दे दिया। उसी तरीके से ये महिला के साथ इस तरीके से काम करते हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी, जिनको यूपी की और बिहार की चिंता है, लेकिन दिल्ली की महिला को चिंता नहीं है उनको कि दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में आए दिन महिला के साथ जो उत्पीड़न होता है, मालीवाल जी कहाँ मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। आपका मानना क्या है कि केजरीवाल सरकार ने जो महिलाओं की सुरक्षा के दावे किए थे वो? देखिए, महिला की सुरक्षा में तो बिल्कुल 0/0 है दिल्ली सरकार, महिला को कोई सुरक्षा नहीं है किसी भी तरीके की। महिला को अगर सुरक्षा होती तो आपको लगता है कि उनका कार्यकर्ता ये काम करता? और हम यहाँ आप बताइए, आज हम यहाँ उस बहन के न्याय के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते? केजरीवाल सरकार ने बहनों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया है, सब दिखावा, होर्डिंग, विज्ञापन, उसकी राजनीति सब वहाँ तक है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। न्याय दो, 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 न्याय दो,
हम भारत की नारी है, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, हर जय जुलम की टक्कर पे, हर जय जुलम की टक्कर पे, धनक दोस्तों तुम्हारा नारा जब होगा, जब तुम्हारी आवाज पहले निकलेगी। आज तुम किस बेटी के लिए नहीं निकाल रहे आवाज, सब तुम्हारे घर में भी नहीं आया, तुम खुद किसी की बेटी हो। और कल कलाकार कल कब तुम्हारे साथ ये हो जाए कोई नहीं जानता। और उस गुंडे ने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा। कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, हर इंसान हर आदमी एक जैसा नहीं होता, इसलिए आप लोगों को अपने लिए आवाज खुद उठानी पड़ेगी। केजरीवाल, 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 नारियों का सम्मान हो। भाजपा है, मैं गाने बोलू चाहिए, महिला है गाने, महिला के सम्मान में, महिला है मैदान में, महिला के सम्मान में, महिला है मैदान में। हम भारत की नारी है, हम भारत की नारी है, हाँ हाँ निकाल लिया, हम भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है। हजार जुलम की टक्कर पे, हजार जुलम की टक्कर पे, भाइयों आप भी हमारे साथी हो, आप भी फैन की आवाज उठा रहे हो, तो आप भी बोलो, हजार जुलम की टक्कर पे, हजार जुलम की टक्कर पे, बताएंगे और हमें आश्वासन देंगे कि अगर वो शाम तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो ये प्रदर्शन कल इससे ज्यादा बड़ा होगा। ऐसा सच्चे साहब जी, अभी आपके मेरी बात हुई है, इनको मैंने सारी बातें बताई हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना टाइम क्यों लगा। अब उनके बयान आ गए हमारे पास एसडीएम साहब की तरफ से, हम इससे तुरंत कार्रवाई करेंगे, आप लोग निश्चित हो सकते हैं इस बारे में। नहीं ये बताइए शाम तक जो हमें बताते वो बताओ ना, जल्दी से जल्दी अरेस्ट डालेंगे ये भी है। एफआईआर आज शाम तक हो जाएगी पक्का, और हम जल्दी से जल्दी इनको जो भी इसमें नाम वाम आएगा उसको अरेस्ट डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा, महिला मोर्चा। हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष योगिता जी, जिला के अध्यक्ष भाई विनोद जी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कुसुम तोमर जी, उपस्थित सभी नेतागण और साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सब बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि आप सबने बहुत शॉर्ट नोटिस पर, आपको पता लगते ही एक बहन के जलने पर और उसकी मृत्यु होने पर उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। आप लोगों ने जो अभी यहाँ पर बातचीत
आपके प्रतिनिधियों ने SHO साहब से करी है, उन्होंने आप सबको भी आश्वासन दिया है कि उस पर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी शुरू हुई है, और ऐसे SHO साहब ने कहा है कि आज ही जो दोषी हैं उनके खिलाफ FIR होगी और शाम तक रात तक ही उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों ने महिला शक्ति ने न्याय दिलाने के लिए एक अच्छी पहल की है, और आप लोगों के कारण ही जल्दी से जल्दी वो जो बहन शीतल जिसका ध्यान हुआ है उसको न्याय मिलेगा। आप सब लोग यहाँ बहुत कम समय में एकत्रित हुई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आवश्यकता होगी तो आपको दोबारा कष्ट देंगे। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे प्रजा सत्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब आए, मैं भी आपका स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। भविष्य में अगर इसके लिए जरूरत पड़ी तो हम बढ़ जाए तो यहाँ दोबारा आएंगे, पर मुझे लगता है SHO साहब ने आश्वासन दिया है कि आज ही इसकी FIR और जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।